हाय फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन WLAN वीडियो सीरीज में। आज हम अपना पहला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ वायरलेस। अगर इस कोर्स के कंटेंट और इस कोर्स के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ वायरलेस। सो बेसिक्स ऑफ वायरलेस में हम आप बताएंगे आपको कि नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस लैन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है बिटवीन वायरलेस वन वायरलेस लैन टू अनदर वायरलेस लैन। उसको कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स के नाम से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे RF प्रोपेगेशन क्या होता है, बिकॉज आपको वायरलेस लैन समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ RF आना चाहिए। तो RF प्रोपेगेशन क्या होता है, RF में जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स रहते हैं कि अटेन्यूएशन जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, लॉसेस क्या होते हैं, गेन क्या होते हैं, तो RF के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वायरलेस लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या यूज होता है। तो नेटवर्क क्या होता है, सो जब आपके पास दो कंप्यूटर हों और आप उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हो और वो कम्युनिकेशन एक वायर के थ्रू हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, सपोज करो आप ये कंप्यूटर आपका है और ये एक आपका कंप्यूटर है और ये एक आपका कंप्यूटर है और ये आपका कंप्यूटर है। अगर इन चारों के बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना है तो ये आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसको हम बोल देंगे एक नेटवर्क। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर इज कॉल्ड नेटवर्क। दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे, ये इस तरह से केबल से नहीं जुड़ते हैं, इसके लिए एक मीडियम होता है। ठीक है, उसको हम स्विच या हब बोल देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो सपोज करो आपकी आपका एक कंप्यूटर ये है, एक ये लैन ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर केबल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्विच है, ये जो डिवाइस है, ये आपस में कम्युनिकेट करा देता है इन सभी कंप्यूटर्स को, तो ये बन जाता है एक नेटवर्क। ओ तो अब बात करते हैं कि लैन वायर्ड लैन क्या होती है। ठीक है, जब ये डिवाइसेस आपस में एक केबल के थ्रू जुड़े होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको राइट साइड वाली पिक्चर में बताया, जब ये डिवाइसेस आपस में केबल के थ्रू जुड़े होते हैं तो हम इसको वायर्ड नेटवर्क बोल देते हैं। ठीक है, वायर्ड लैन, जनरल टर्म में इसको हम लैन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायर्ड नेटवर्क और लैन। अब हम बात करने जा रहे हैं जब ये वायर्ड प्लेस इन प्लेस नहीं रहती तो आपका कम्युनिकेशन RF के थ्रू होता है, बिना वायर्स के जो आपका कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, सपोज करो ये आपका कंप्यूटर है और ये एक और कंप्यूटर आ गया। अब इनके बीच में वायरलेस कनेक्टिविटी कैसे होगी, जब ये कंप्यूटर कुछ RF सिग्नल जनरेट करेगा और ये इस तक पहुंचेंगे और फिर ये कंप्यूटर कुछ RF सिग्नल निकालेगा, वो इस कंप्यूटर तक पहुंचेंगे तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस नेटवर्क। सो जब दो या दो से ज़्यादा लैपटॉप वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो हमारा RF टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या इसको रेडियो वेव्स भी बोल सकते हैं। अगर आप ऑफकोर्स आपको पता होगा, जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें कोई वायर्ड नहीं रहती, ये एक टावर से आपके BTS से कम्युनिकेट करता है थ्रू वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं यही होती है RF वेव्स। आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी वायरलेस लैन की, नेटवर्क वेयर डेटा इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड वाया केबल बट ओवर द एयर यूजिंग RF टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क। तो नेटवर्क दो तरह के होते हैं, वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क। तो अगले वीडियो में
हम आपको बताएंगे आरएफ टेक्नोलॉजी के बारे में, आरएफ क्या होता है। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन डब्ल्यू लैन। थैंक यू।